हम लोग इंडेक्स नंबर शुरू किए थे अब पिछले क्लास में। इंडेक्स नंबर में आपको बेसिक जो सबसे बेसिक जो सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर होता है वो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड पे हम डिस्कस किए थे। और आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर प्राइस रिलेटिव ऑफ एवरेज, है ना, जिसको हम लोग कल बताए थे, जो हमारा रिलेटिव मेथड करके था उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, है ना, क्या है, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इस मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाएंगे, देखेंगे। जिनका किसने वाला छूटा हुआ है हमारा ये वीडियो होगा, देख लीजिएगा उस पर। सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो ऐसे हम क्या बताए थे कल, P01, है ना, P01 इक्वल टू क्या बताया था, सिग्मा P1/P0 इंटू 100/n। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम, P1 का मतलब करेंट ईयर, P0 या P0 का मतलब होता है बेस ईयर। तीस मेथड से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर या फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, तो कैसे बनाइएगा, किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, कल हम बताए थे। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो गिवेन द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है गिवेन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड, एंड यूजिंग द प्राइस रिलेटिव मेथड कॉमा कंस्ट्रक्ट एंड इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्ट एंड इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2021, फॉर द ईयर 2021 इन रिलेशन टू 2011 प्राइसेज, इन रिलेशन टू 2011 प्राइसेज, है ना, इन रिलेशन टू 2011 प्राइसेज। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कैसे बनाएंगे। पहले क्वेश्चन जो है आपका, हम एक क्वेश्चन आपका है, ठीक है, देखिए ये आपका यहां तक लेते हैं। तो एक में तो दिया रहेगा आइटम या गुड्स जो भी आपका है, तो चलिए इसमें हम ऐसे दिया, क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, आइटम है और यहां पर दिया हुआ है 2011 प्राइसेज और 2021 प्राइसेज, ठीक है, ये डेटा आपके पास है दिया हुआ। तो हमारे पास कितना गुड्स है, तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। पहला है व्हीट, क्या है व्हीट, चलो इसको लेते हैं, व्हीट मतलब गेहूं। दूसरा आपका है घी, तीसरा है मिल्क और चौथा है राइस और पांचवा है शुगर। एक क्वेश्चन है अभी, यहाँ भी तो कुछ हम कर रहे नहीं है, क्वेश्चन ही आपका है। ठीक है, क्लियर। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं ये जो प्राइस दिया हुआ है कि 100 है, क्विंटल दिया हुआ है, मान ले 8 रुपये केजी दिया हुआ है, उसके बाद 2 रुपये लीटर दिया हुआ है, फिर 200 क्विंटल दिया हुआ है, इस तरीके से फिर 1 है, ये प्राइस है। मान ले जरूरी नहीं कि है मार्केट में, लेकिन ये मान ले इस तरह का प्राइसेज 2011 में था, घी का ये था, घी मतलब गेहूं का था, घी का था, मिल्क का था, ये आपका रहे इस प्राइस में, ठीक
रेट है। और 2021 में दिया हुआ है आपका 240 60, 200 है, 40 है, 60 है, 800 है और फिर 6 है, मतलब ये प्राइस आपका दिया हुआ है। एक और हमको बनाना होगा कॉलम, देखो ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए निकालना है, प्राइस रिलेटिव मेथड से हमें बाबू ये चाहिए, हमें चाहिए P1 बाई P0 इंटू 100, यही ना चाहिए, है ना, तब ना अंतिम होगा, क्या होगा, सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा, जोड़ेंगे सबको, आराम से देखो, है ना क्वेश्चन है। फार्मूला फिर से लिखते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा याद हो जाएगा फार्मूला, P01 इक्वल टू क्या होगा, देखो सिग्मा P1 बाई P0 इंटू 100 बाई N, N का मतलब नंबर ऑफ आइटम, यहाँ ऐसे N 5 है, 5 आइटम है तो N 5 हो गया। अब इसको निकालना है, तो इसको कैसे निकालिए, देखो P1 है 200, ये कितना है 100, इंटू कितना हो जाएगा 100, कट जाएगा कितना बचेगा 200, ये कितना है 40, ये क्या है 8, इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 8 25 40 कितना हो जाएगा 500। फिर यहाँ क्या दिया हुआ है 60 PN, देखो ये जो करेंट ईयर है ना, ये आपका P1 है, ये आपका P0 है, नोट कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 60Y2 इंटू 100, है ना, 60Y2 यहाँ 60 नहीं है बाबू, थोड़ा सी क्वेश्चन दे रहे थे, यहाँ पर 16 है क्वेश्चन में, कितना है 16, तो सुधार लीजिए, 16Y2 इंटू 100, 8 × 2 = 16, 800 बाई 200 इंटू 100, 2 × 8 यानी कि 400, 6Y1 इंटू 100 इक्वल टू 600, 6 × 4 = 10 = 18, 5 × 3 = 25, यानी टोटल जो समेशन आपका आएगा वो 2500 आएगा, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, P01 इक्वल टू 2500 बाई 5, तो क्या बचेगा, P01 इक्वल टू आपका आएगा 500 वैल्यू आएगा। अगर माइनस 100 कर देंगे जैसा कि कल हम बताए थे, तो 400% प्राइस हमारा बढ़ा इन कंपैरिजन टू 2021, है ना, सॉरी 2021 में एज कंपैरिजन टू द प्राइसेज ऑफ 2000, प्राइसेज इन 2021 हैज इंक्रीज 400% मोर, है ना, इन कंपैरिजन टू 2011, 2011 के कंपैरिजन में 2021 में प्राइसेज हमारा क्या हुआ, काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है। ये अगर मेथड से पूछेगा तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब दूसरा आते हैं, ये था हम, देखो पहले हम बताए थे कल कि शायद तीसरा क्लास इंडेक्स नंबर का होगा, है ना, तीसरा क्लास है, पहला क्लास इंट्रोडक्शन, दूसरा में बताए थे मेथड, अब है दूसरा में, पहला मेथड था कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर, उसमें दो मेथड था, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल प्राइस, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड यही है जो भी आप पढ़े,
इसके पहले कल के क्लास में बताए थे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। चलिए देखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। इसमें भी दो तरह का है आपको, एक है आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटेड मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, दूसरा है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड दो मेथड है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सीखते हैं लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर, नोट कर ली इसको लो। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर इसको ऐसे लिखते हैं, P01 इक्वल टू होता है ए सिग्मा आर डब्लू बाय सिग्मा डब्लू। डब्लू मतलब वेट क्वांटिटी है ना, इस तरह क्वेश्चन पूछा है पहली बार, मतलब पहले भी पूछा है इस तरह क्वेश्चन, जहां पर वेयर जो आर इक्वल टू होता है ना, वो होता है P1 बाय P0 इंटू 100, जैसे भी बताए हैं, वेयर आर इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइस रिलेटिव, प्राइस रिलेटिव, और W का मतलब वेट। ठीक है, W का मतलब वेट। चलिए तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, गिवेन द फॉलोइंग डेटा, गिवेन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग वेटेड एवरेज, एंड यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड कॉमा कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर द 2021, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर फॉर 2021 बेस्ड ऑन 2011 प्राइसेस। ठीक है, अब देखो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, जगह रखते हैं, पहला तो आइटम, दूसरा में 11 का प्राइस, नहीं दूसरा में वेट, तीसरा में प्राइस, चौथा में भी प्राइस,
ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आइटम है लिखिए, कुछ भी लिख सकते, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, पांच आइटम है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा दिया रहेगा वेट, यहाँ पे दिया रहेगा मान लीजिए 2011 का प्राइस, शॉर्ट में लिखते हैं 2021 का प्राइस, प्राइस, ठीक है। देखो ऐसे हम लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे पी नॉट, इसको क्या बोलेंगे पी वन, नोटेशन में थे ना, इसको क्या बोलेंगे डब्लू, क्वेश्चन में ऐसे दिया नहीं रहेगा, अब बना लीजिए। अब जो डेटा है, हम इसमें जो डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में उसको पुट करते हैं, तो वेट आपका दिया हुआ यहाँ पे 40-30 है ना, देखो 40, 30, 15, 10 और 5, प्राइस दिया हुआ यहाँ पे 100, 200, 100, 200, 2, 8 और 1, 8 और 1, यहाँ प्राइस दिया हुआ है 200, 800, 16, फिर दिया 40, फिर दिया 6, ठीक है। देखो जी थोड़ा पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले R निकालेंगे, R इक्वल टू क्या होता है P1 बाई P0 इंटू 100, इन निकालेंगे, देखो बोर्ड पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ करेंगे 200 बाई 100 इंटू 100, कितना बचेगा 200, यहाँ करेंगे 800 बाई 200 है ना, यहाँ देखो इंटू 100, 2 × 8 कितना बचेगा 400, 16 बाई 2 इंटू 100, 8 × 2 = 16, 800, 40 बाई 8 बाई 100 हो जाएगा 500, 8×5=40, 6×1 × 200, 600, ये तो हो गया, यहाँ तक हम सीखे भी हैं। अब आगे क्या करना है, तो क्या करना आपको है, देखो यहाँ करना है R into W, यानी R जो निकल के आया 200 आया ना, देखो ये 200 आया और W यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 200 × 40, 4 × 2 = 8, यानी कितना 8000 हो जाएगा, समझे। देखो यहाँ दिया हुआ 400, क्या दिया हुआ है 400, यहाँ क्या दिया हुआ है कितना हो जाएगा बोलो, चरतिया 12, एक और सुनना, यहाँ आ जाएगा 800, यहाँ दिया हुआ है 15, तो 8 दहे के अगर 8000, 8×4=12000, यानी कि 12000, फिर 500 या 1000, 10 है चेन, कितना हो जाएगा 5000, यहाँ 6 है यहाँ पाला, तो यहाँ हो जाएगा 6×5=30, 3000, 12×8=20, जैसे 12×2=24=8, 32×5=37=40, यानी कि सिग्मा RW इक्वल टू हो जाएगा 40000। फार्मूला क्या बताए थे, P01 इक्वल टू क्या बताए थे जी, सिग्मा RW बाय सिग्मा W, P01 यहाँ आ गया 40000, क्या आ गया 40000, ठीक है 40000 आ गया, यहाँ 4×3=7=5 यानी कि 70, 80, 85 यानी कि 100 आएगा, यहाँ पर सिग्मा W इक्वल टू आएगा 100, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ये दो कट गया, दो कट गया, तो P01 इक्वल टू हो जाएगा 400। क्या हो जाएगा 400,
ठीक है। तो ऐसे ही इसका 400 है, इसी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 400 माइनस 100 300% प्राइस लेवल क्या हुआ, बढ़ गया 2021 में इन कंपेरिजन टू 2011 में, है ना। देखो एग्जाम में कभी कभी क्या दिया जाता है ना कि 2 ईयर का प्राइस दिया होता है और यहाँ पे क्वांटिटी दिया होता है ना, ऐसे इस तरह का होता है, या वेट दिया होता है। तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एग्जाम में कोई मेथड दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद देखना होगा कि कौन से मेथड से बनाना है। ठीक है, हो गया ना मेथड। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, और अब जो है आपका है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। इसमें बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन इसमें से 3 प्रमुख हैं जो आपको पढ़ना है सिलेबस में। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, बॉले हैं, मार्शल है, एजबर्थ है, वो आप बुक्स वगैरह में देखते होंगे। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है तो उसमें 3 मेथड है। एक तुम्हारा होता है लास्ट स्क्वायर मेथड, दूसरा है पार्स मेथड, तीसरा है फिशर्स मेथड। 3 मेथड आपका, तीनों मेथड लिखो। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, अब क्या है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आपको पढ़ना है 3, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला है लास्ट फेयर, दूसरा है पार्स, और तीसरा है फीसर्स मेथड। कर दो, मेथड कर दीजिए, मेथड कर दीजिए। देखो इसको सिंपल याद रखने का तरीका है, एक है तुम्हारा लास्ट फेयर, दूसरा है पास। तो देखो इसको जो है ना क्या लिखते हैं, P01, देखो जी P01 इक्वल टू सिग्मा P1 सिग्मा P0, ये तो जानते ही हैं। इसमें कर दो Q0 और Q0, Q0 मतलब बेस ईयर क्वांटिटी, है ना। और देखो यहाँ पर, यहाँ लिखोगे P01 इक्वल टू सिग्मा P1 सिग्मा P0, यहाँ लिखेंगे Q1, यहाँ लिखेंगे Q1। यहाँ Q1 मतलब क्या, क्या Q1 का मतलब बेस ईयर नहीं, करेंट ईयर क्वांटिटी। जैसे P0 मतलब बेस ईयर प्राइस और P1 का मतलब करेंट ईयर प्राइस, तो उसी तरीके से Q0 का मतलब होता है बेस ईयर क्वांटिटी, या Q1 का मतलब होता है करेंट ईयर क्वांटिटी आपका होता है। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा, और इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर दोगे, याद रख P01 इक्वल टू ऐसे कर दो L इंटू P इंटू 100। आगे बताएंगे, जगह नहीं है। L का मतलब A पूरा लिख दो, कि P का मतलब A पूरा लिख दो, ये आपका हो गया। ठीक है, Thank you.
ख्याल है, वैसे इसको समझ लो पहले। P01 क्या होता है? प्लस फीसर वाला P01 हम क्या लिखें? L इंटू पी इंटू 100। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, L क्या बताए थे? सिग्मा P0 सिग्मा P1 Q0 Q0 ये हो गया L है ना, सिग्मा P1 सिग्मा, सॉरी यहाँ पे इसकी गलती हो गया, ये जो है ना ये होगा P1 होगा जी, P0 तो सिग्मा P1 सिग्मा P0 P1 Q1 और 100 ही बाहर रहेगा। ठीक है, नोट करो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फार्मूला ही पूछ लेता है कि लास्ट पेयर कौन है, फीचर कौन है। जल्दी चल लिखो, क्वेश्चन लिखो तो फाइंड आउट इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहला लिखो यूजिंग लास्ट फेयर मेथड, दूसरा लिखो पार्स मेथड और तीसरा लिखो फिशर्स मेथड। यूजिंग लास्ट फेयर मेथड, दूसरा लिखो पार्स मेथड और तीसरा लिखो फिशर्स मेथड। तीसरा लिखो फिशर्स मेथड। ठीक है, तीसरा क्या लिखिएगा? फिशर्स मेथड। ये तीनों मेथड से क्वेश्चन देते हैं, बन जाएगा सब। देखो जैसे कि ये आपका क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, हम इन देते हैं सब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। पहला तो आइटम इसमें दिया हुआ चार है, यहाँ कर लेते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है आइटम, तो मान ले ए बी सी और टी हो गया ना, हम क्वेश्चन का भेज देंगे, हम आंसर डायरेक्ट बना रहे हैं समझा के। जैसे देखो एक दिया हुआ है 2011 में प्राइस, 2011 में क्वांटिटी, समझे। एक दिया हुआ है 2021 में प्राइस, 2021 में क्वांटिटी, क्लियर है। देखो बोर्ड पे तो ये आपका दिया हुआ है, इसमें दोनों दिया हुआ है, अभी तक सिर्फ प्राइस दिया होता था, प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया हुआ है। तो ये जो है मान लिया कि 2011 में है, ये 2021 में है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा P0, ये है तुम्हारा Q0, ये है P1, ये है Q1, क्लियर है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, है ना। डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं तो 6453 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6453। फिर इसमें दिया हुआ है 10 15 8, 10 है 15 है 8 है और आगे दिया हुआ है 9, उसके बाद दिया हुआ है 8 5 3 6, 8 5 3 6, उसके बाद दिया हुआ है 12 20 12 है 20 है और आपका है 16 है और 1 है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या? तो हमको चाहिए, देखो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए P01 इक्वल टू, यानी किसका, हम ऐसे लिखते हैं बाबू, हम अगर लास्ट फेयर का निकालते हैं, लास्ट फेयर का, तो लास्ट फेयर में हम P01 इक्वल टू क्या होता है, अभी बताए थे सिग्मा P1 सिग्मा P0 Q0 Q0 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे, देखो हमको चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए P1 Q0 हमको चाहिए P0 और Q0, ठीक है। तो पहले घेर लीजिए, कैसे निकलेगा अभी हम बताते हैं। P0 कहाँ है जी? यहाँ है, देखो
पी जीरो कहाँ है, सॉरी पी वन कहाँ है, पी वन पी वन पी वन पी वन आपका यहाँ है और पी जीरो यहाँ है, देख रहे हैं, देखो बोर्ड पर ध्यान से। ए निकालने के लिए 8 10 यानी गुना कर दो, 80 हो जाएगा, 15 5 75 और 8 3 या कि 24 और 6 9 9 6 54, ये हो जाएगा पी वन क्यू जीरो पी वन क्यू जीरो पी वन क्यू जीरो पी वन क्यू जीरो। कोई दिक्कत है? अब क्या चाहिए, पी जीरो क्यू जीरो, तो दोनों ये पी जीरो है ये क्यू जीरो है, 10 यानी कि दोनों गुणा कर लो इसे। देखो जी हाँ, पी जीरो क्यू जीरो तो 10 का कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 8 5 6 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिएगा, अब इसको सिग्मा पी वन क्यू जीरो कीजिएगा, सिग्मा पी वन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा एक अब जो ड्रग निकल जाएगा। अब दूसरा क्या मेथड था, पास, तो पास में क्या था, पी जीरो वन इक्वल टू सिग्मा पी वन सिग्मा पी जीरो और क्यू वन क्यू वन। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे पी वन क्यू वन, हमें क्या चाहिए पी जीरो और क्यू वन, दो और चाहिए, बन जाएगा। बोर्ड पे देखो पी वन क्या है, देखो जी पी वन क्यू वन तो बगले में है, पी वन क्यू वन 12 8 ठीक है 96 हो जाएगा, दोनों बगल में है, 20 5 100 हो जाएगा, 16 3 48 हो जाएगा, 6 5 6 हो जाएगा। अब चाहिए पी जीरो क्यू वन, तो पी जीरो कहाँ है, देखो पी जीरो यहाँ है और क्यू वन कहाँ है, अंतिम में है, यहाँ से यहाँ, देखो यहाँ थोड़ा दिक्कत है, ये को थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, 12 यहाँ का 6 12 5 60 12 6 सॉरी पी जीरो क्या चाहिए हमको, पी जीरो हाँ ठीक है, पी जीरो यहाँ है क्यू वन यहाँ है, 12 6 72 यहाँ 20 है यहाँ 4 है यहाँ 80 हो जाएगा, यहाँ 16 है यहाँ 5 है 80 हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 3 है 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या निकल जाएगा बाबू, अकबर निकल जाएगा सिग्मा पी वन क्यू वन, निकाल लीजिएगा सिग्मा पी जीरो क्यू वन, निकल जाएगा, निकल जाएगा क्या नहीं निकलेगा, इतना हो जाएगा ना, हाँ चलिए दोनों घर पे आप बना लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, बन से है ना, बहुत सिंपल है, इतना को जोड़ के इतना को जोड़ के सॉल्व कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा, इसको हटा दें। अब देखो हमको चाहिए फीसर्स वाला आंसर, तो फीसर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो फीसर्स में होता है पी जीरो वन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट बताए थे ना, सिग्मा पी वन सिग्मा, देखो सिग्मा पी वन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो क्यू जीरो इंटू सिग्मा पी वन सिग्मा पी जीरो क्यू वन इंटू 100। तो सिग्मा पी वन क्यू जीरो कितना आया, सिग्मा पी वन क्यू जीरो सिग्मा पी वन क्यू जीरो कितना आ रहा है, जोड़े हो कोई, दो सौ 35 होगा पक्का, पी वन क्यू जीरो पी वन
ठीक है। अब बन जाएगा इसे, यानी कि तीनों मेथड आपसे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। अब आगे का प्रोसेस इतना आप कर लीजिएगा, आई थिंक इतना आपसे हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर का जो क्वेश्चन था, इतना से ही सब क्वेश्चन मिला के देखिएगा और प्रीवियस क्वेश्चन में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। अभी इसमें एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन का मेजरमेंट है। एक क्लास और में हम उसको क्या करेंगे बता देंगे।